माय गॉड, आज जो है मेरा बड़ा एक जबरदस्त किस्म का टॉपिक है, वो है करियर इन आईटी फील्ड। ये सबसे ज़्यादा जो है लोगों को हिला देने वाला टॉपिक है, ओके, क्योंकि इसमें सैलरीज बहुत ज़्यादा होती हैं। अगर आप इंटरनेट पर भी जाकर सर्च करो कि आईटी वाले की सैलरी कितनी होती है, तो कम से कम आपको 2-3 लाख रुपये से कम मिलने वाली नहीं है आपको, सही। लेकिन जाहिर सी बात है, पढ़ना भी पड़ता है, यूनिवर्सिटी से तालीम लेनी पड़ती है आपको, किसी भी यूनिवर्सिटी से लो आईटी की, किसी से भी लो टेक्नोलॉजी से जो रिलेट करती हो, सही। यहाँ पे बारे में आपको थोड़ा पढ़ के दिखा देता हूँ। टुडे कंप्यूटर साइंस प्लेज अ की रोल इन ऑल फील्ड ऑफ लाइफ। कंप्यूटर साइंस सीएस, शॉर्ट फॉर्म में सीएस, जॉब्स आर रैंकड एज हैविंग सम ऑफ द हाईएस्ट सैलरीज इन द वर्ल्ड। इट्स सो नो सरप्राइज दैट कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आर चेंजिंग टुमारो जॉब मार्केट। लेट्स लुक एट डिफरेंट करियर्स that are present in the IT sector. बस एक चीज़ और बता दूँ उसके बारे में आपको, सैलरीज तो बहुत अच्छी मिलेंगी आपको, बहुत ज़बरदस्त ये फील्ड रहेगी, काम भी आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है, जगह पे बैठ के ऑफिस वाला काम होगा, साफ सुथरा काम होगा। लेकिन एक चीज़ और बता दूँ, आपको कंप्यूटर के साथ अपडेट रहना है, आपको कंप्यूटर के साथ अपडेट रहना है, वरना कंप्यूटर आपको पीछे छोड़ देगा, आप कंप्यूटर के मामले में पीछे हो जाओगे अगर आप साथ में नहीं चलोगे। आपको फुल टाइम जो है इसकी एजुकेशन लेती रहनी है, आप इसको जितना पढ़ लो वैसे ख़त्म तो कभी नहीं होगा ये, सही। लेकिन आपको इसके साथ अपने आप को वेल एजुकेट रखना है कि हाँ यार, कंप्यूटर आप ये चेंजिंग कर रहे हैं, अपने अंदर ये चेंजिंग कर रहे हैं। आपको लास्ट वीडियो में मैंने एक चीज़ बताई थी शायद, कि सुपर कंप्यूटर जो है उससे भी बड़ा कंप्यूटर होता है, तो उससे बड़े कंप्यूटर हमारे पास आ चुका है, IBM वाटसन उसका नाम है, सही। लेकिन इसके बारे में हम बात करेंगे, इसकी पूरी वीडियो मेरे चैनल पर आ जाएगी आने वाले वक्त में, सही। तो IBM वाटसन सबसे बड़ा कंप्यूटर है, मैंने अपने आप को वेल अपग्रेड किया हुआ है, इसी तरीके से आपको भी अपने मामलात में अपने कंप्यूटर के जितनी भी चीज़ें उसके अंदर अपग्रेड रहना है, सही। अगर ग्राफिक डिजाइनिंग से आप तालू रखते हो तो ग्राफिक डिजाइनिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से तालू रखते हो सॉफ्टवेयर इंजीनियर, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर तो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, जितने भी फील्ड्स हैं हमारे पास, फील्ड्स यहाँ पर चंद लिखी हुई हमारे बुक के अंदर, लेकिन बहुत ज़्यादा फील्ड है, माने बहुत ज़्यादा, जिसमें डिजिटल मार्केटिंग आ जाती है, सोशल मीडिया मार्केटिंग आ जाती है, ओके, और भी दीगर कॉन्टेंट राइटिंग आ जाती है, और भी दीगर हैं, एक नहीं बहुत सारी हैं, ठीक। तो चलिए अब जो है हम देखते हैं कुछ चंद फील्ड्स जो है हमारी बुक ने इसके अंदर जो है डिस्क्राइब की हुई हैं, उनको हम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और समझेंगे। सबसे पहली एक फील्ड आती है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सॉफ्टवेयर इंजीनियर की सबसे ज़्यादा सैलरी होती है सॉफ्टवेयर इंजीनियर, क्योंकि मेन काम कौन कर रहा होता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही कर रहा होता है, वो सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहा होता है, सिंपल, सही। और सॉफ्टवेयर इंजीनियर इज अ पर्सन वो यूज डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस टू डेवलप सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स लाइक गेमिंग, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, LMS जिसको हम बोलते हैं बिजनेस एप्लीकेशन, एजुकेशनल एंड एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर। LMS किसको बोलते हैं ये थोड़ा सुन लें, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम को जो डेवलप करें हम उसको क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। कंप्यूटर के टर्म के अंदर LMS सॉफ्टवेयर, यानी कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर का दूसरा नाम है LMS, सही, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, जो खुद ब खुद सिस्टम को लर्न करे और उस पर काम करे, ठीक, ओके। आगे चलते हैं, आपको समझ में आ गया सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्या होता है, यानी कि अगर मैं ये बोलूँ जो सॉफ्टवेयर इस वक्त मैं यूज़ कर रहा हूँ, या मैं Adobe यूज़ कर रहा हूँ, या मैं क्रोम ब्राउज़र यूज़ कर रहा हूँ, ओके, या मैं कुछ भी एग्जैक्टली YouTube यूज़ कर रहा हूँ मैं, ठीक, तो ये किसी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने ही बनाया है, सही। मैं फिर बता दूँ, YouTube कोई वेब नहीं है, कोई एप्लीकेशन नहीं, YouTube क्या है, सॉफ्टवेयर है। तो YouTube किसने बनाई, वो कौन है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। इसके बाद है नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर इज एन IIT एक्सपर्ट वो मैनेज एन ऑर्गेनाइजेशन नेटवर्क, ही और शी, सही, इज रिस्पॉन्सिबल और फॉर इंस्टॉलिंग मेंटेनिंग एंड अपग्रेडिंग एनी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर रिक्वायर्ड टू एफिशिएंटली रन अ कंप्यूटर नेटवर्क, सही। जितने भी इंडस्ट्री होती है हमारे पास, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं हमारे पास, वो क्या करती हैं, एक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर को हायर करती हैं, जो सिंपल क्या करता है, वहाँ के नेटवर्क को देखता है। मिसाल के तौर पर एक कंप्यूटर वाला है, सही, यानी कि 10 कंप्यूटर वाले हैं हमारे पास, एक बंदे के पास जो है एक ऑनर है, बाकी 9 जो है उसके एम्प्लॉई हैं। अब वो जो ऑनर है वो चाहता है कि जो है ना, कि जो 9 एम्प्लॉई हैं, सही, 9 एम्प्लॉई, इनके पास फेसबुक नहीं चले, इनके पास यूट्यूब नहीं चले, सही, इनके पास इंस्टाग्राम नहीं चले, बाकी जितने भी चीज़ें चलानी है वो चल जाए उनके पास, सही। तो ये काम किसका होता है, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर का होता है, वो उन चीज़ों को, उन 9 एम्प्लॉयज़ के डेटा, यानी उनके कंप्यूटर पर जो है इन तीनों चीज़ों को ऑफ कर देगा, बात समझ में आ रही है। तो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर का काम सिंपल इतना है, और फिर जो वायर वगैरह वहाँ पे प्रेजेंट करनी पड़ती है, जो ख़राबियाँ आ जाती हैं उनको सही करने का काम किसका होता है, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर का होता है। किसी सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करना है या सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, वो काम किसका होता है, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर का ये काम होता है। तो आई होप ये बात भी आपको अच्छे से समझ में आ गई, क्योंकि नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर काम क्या होता है, सिंपल, ये है हमारे पास सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट पे चलते हैं, वो है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर।
जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में DBA भी बोलते हैं, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। ओके, अ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर आल्सो नोन एज DBA इज आल्सो स्किल्ड प्रोफेशनल हु मेंटेन अ सिक्योर डेटाबेस एनवायरनमेंट इन एन ऑफिस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले इसका एक काम ये होता है, जितना भी ऑफिस का डेटा होता है, उसको सिक्योर करना। उसके बाद जितना भी डेटा हमारे पास आ रहा होता है, मिसाल के तौर पे मैं एक स्कूल में बैठा हूँ और मेरे पास एक टीचर आती है, ठीक, उसका जो एक्सपीरियंस है वो 5 साल का है, उसने 1 साल हमारे स्कूल में पढ़ाया, अगले साल उसका एक्सपीरियंस कितना हो जाएगा, 6 साल का हो जाएगा। तो मेरा काम है उसको अपग्रेड करना, अपने डेटा के अंदर अपग्रेड करना, भाई इस टीचर का जो एक्सपीरियंस है वो 6 साल का हो गया है, बात समझ में आ रही है। फिर जो फीसें आ रही होती हैं वो कहाँ लिखी जाती हैं, क्या होता है उनके साथ, कहाँ उनकी इंटेंट एंट्री करनी है, सही कौन से डेटा में जाएगी, कौन से डेटा में नहीं जाएगी, अटेंडेंस कितनी आ रही है, कितनी नहीं आ रही है, कौन सा बच्चा आ रहा है, कौन सा बच्चा नहीं आ रहा है, कौन सा बच्चा जो है छोड़ के जा चुका है, लीव करके जा चुका है, कौन से बच्चे का एडमिशन हो रहा है, सही। तो ये क्या, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है सिंपल। और ये इसको शॉर्ट फॉर्म में अगर DBA का काम सिंपल ये है कि वो डेटा को एनालिसिस कर रहा होता है उसकी, और उसको सिक्योर भी रखता है साथ में, ठीक। तो ये काम किसका हो रहा है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का। लेकिन याद रखिएगा ये काम कंप्यूटर का है, कोई फिजिकल वर्क नहीं है। ओके, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का काम सिंपल हमारे पास ये होता है। ये है थर्ड पॉइंट। अब चलते हैं फोर्थ पॉइंट के ऊपर, वो है वेब डिज़ाइनर। वेब डिज़ाइनर आपको अच्छे से पता होगा वेब डिज़ाइनर क्या होता है, अगर आपने Draz.pk देखी है, सही। ओके, इसके अलावा भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, सही। chunkumunku.com एक साइट है सिंपल, ठीक। कोई ब्लॉग स्पॉट, यानी कोई ब्लॉगर हो आपके पास, तो वो सिंपल क्या है, वेब डिज़ाइनर है। अगर जो बंदा उसको डिज़ाइन करता है, जो बंदा उसको क्रिएट करता है, वो क्या कहलाता है, वेब डिज़ाइनर, सही। वेब इज़ अ शॉर्ट फॉर वर्ल्ड वाइड वेब, एक ऐसा पेज जो पूरी दुनिया में एक्सेस किया जाए। वर्ल्ड वाइड वेब का मतलब ये है सिंपल। ओके, दिस इज़ अनदर नेम फॉर इंटरनेट। वेब डिज़ाइनर आर पीपल हु बिल्ड वेबसाइट, दे प्रिपेयर अ साइट कंटेंट विथ आई कैचिंग डिज़ाइन, अट्रैक्टिव इमेज एंड स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट। बोले कि जो है सिंपल, ये वेब डिज़ाइनर है, जो वेब डिज़ाइनर काम करता है वो सिंपल क्या है, वेब को डिज़ाइन करता है, वेबसाइट को डिज़ाइन करता है। मिसाल के तौर पे कोई इंडस्ट्री है, नॉरिस एक कंपनी है, नॉरिस या कोई और भी दीगर है, बोश फार्मा है, मिसाल के तौर पे बोश फार्मा, मैंने क्या करा, उनके एक पेज बनाया पेज, और उसको कहाँ पे अपलोड कर दिया, इंटरनेट पे। अब वो इंटरनेट पे अपलोड होने के बाद क्या होगा, वेबसाइट में चेंज हो जाएगा, सही। तो वेबसाइट बन गई हमारी, अब उसके अंदर जो कलर्स वगैरह हैं वो आई कैचिंग होने चाहिए, डिज़ाइन अट्रैक्टिव इमेजेस होने चाहिए, स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट, दे रिलाई ऑन मैनी वेब डिजाइनिंग टूल्स, इंश्योर द इंटरेक्टिविटी वेबसाइट, हाउ द साइट वर्क्स एंड हाउ इट लुक्स, इट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वेब डिज़ाइनर। वेब डिज़ाइनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उसको मेनटेन करके रखे, उसका जो गेटवे पेमेंट है, जो पेमेंट लेने के तरीके हैं, पेमेंट देने के तरीके हैं, सही। कोई कौन कब जो है कौन आ रहा है उसके ऊपर, उसकी SEO क्या है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या है उसकी, सही, क्या वेबसाइट सही तरीके से काम कर रही है या नहीं कर रही है, कौन से मुल्क में एक्सेस नहीं की जा सकती, कौन से मुल्क में एक्सेस की जा सकती है, ये सब चीज़ें जो है वो किसको पता होती हैं, वेब डिज़ाइनर को पता होती हैं। अच्छा, इसके अंदर दो फील्ड होती है, एक होता है वेब डेवलपर, एक होता है वेब डिज़ाइनर। वेब डेवलपर और वेब डिज़ाइनर अलग अलग फील्ड हैं, वेब डेवलप करना एक अलग चीज़ है, वेब डिज़ाइनर एक अलग चीज़ है, सही। तो ये बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं नंबर फाइव पे आता है ग्राफिक डिज़ाइनिंग। ग्राफिक डिज़ाइनिंग क्या होती है भाई, ग्राफिक इज एन अनदर वर्ड फॉर इमेज। ग्राफिक डिज़ाइनर डेवलप ओवरऑल लेआउट ऑफ ब्राउचर मैगजीन, एंड आपने जितने भी पम्फलेट्स वगैरह देखे हैं, कोई ऐसी थीम्स वगैरह आप देखते होंगे, आपका फेसबुक का लोगो है, इंस्टाग्राम का लोगो है, ठीक, और भी लिंक्डइन वगैरह और भी दीगर चीज़ें, आपका मोबाइल के अंदर जो नॉर्मली वॉलपेपर लगे हुए होते हैं, सही, और कुछ ऐप्स के आपके पास लोगो वगैरह नज़र आ रहे होते हैं, सिंपल किसने काम, वो जो लोगो है किसने बनाए, एक ग्राफिक डिज़ाइनर ने बनाया सिंपल। ओके, बात समझ में आ रही है। तो ये ग्राफिक डिज़ाइनर का काम होता है, आपके जो मार्केट्स में बोर्ड्स वगैरह लगे होते हैं, उनके जो लोगो वगैरह होते हैं, उनके जो कलर्स मौजूद होते हैं, या अगर आप कहीं पे लिखते हो स्मार्ट स्कूल वगैरह का जो है कोई बैनर वगैरह बना हुआ होता है, सही। तो ये काम किसका होता है, ग्राफिक डिज़ाइनर का काम होता है, ग्राफिक डिज़ाइनर ही इन चीज़ों को बनाते हैं। ये भी बहुत ज़बरदस्त फील्ड है, उसकी बहुत अच्छी सैलरी होती है ग्राफिक डिज़ाइनर की, सही। मोशन ग्राफिक डिज़ाइनर इसकी दूसरी फील्ड है, वो बस वीडियो में चेंज कर देते हैं अपने आप को, सही। तो मोशन ग्राफिक डिज़ाइनर और ग्राफिक डिज़ाइनर की बहुत अच्छी सैलरी होती है। इसके बाद आ रहा है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट। ये ज़्यादातर आपको बैंक्स वगैरह में मिलेंगे, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट। ये छठा नंबर, यानी कि छठा पॉइंट हमारे मौजूद है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट। द पीपल प्रोटेक्ट नेटवर्क, दे प्लान एंड कैरी आउट सिक्योरिटी मेजर टू इंश्योर दैट नो लॉस ऑफ डेटा। आपके पास जितना भी डेटा है, सही, उसको सिक्योर करना किसका काम होता है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट। और उसको एनालाइज करना, भाई कोई वायरस तो नहीं आएगी इसके अंदर, सही। ऑटोमेटिक आ जाते हैं कुछ वायरसेस, जिसमें से रैनसमवेयर हमारे पास वायरस है, और भी इसके अलावा वन जैसे वायरस हैं, स्पाईवेयर के नाम से कुछ वायरसेस आते हैं,
सही वो इसके अंदर आ जाते हैं। तो कुछ ऐसे वायरस से जो है बचने के लिए हम किसको हायर करते हैं, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट को हायर करते हैं। ज़्यादातर जो है वो ऑनलाइन बैंकिंग वगैरह के अंदर हमारे पास वायरस वगैरह आ जाते हैं, ठीक। बिजनेस कंप्यूटर हैकर्स वगैरह से बचने के लिए हम इन लोगों को हायर करते हैं, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट। अच्छा, अगर मैं आपको ऊपर बात करूँ DBA का काम क्या है, सिंपल उसको सिक्योर करना है भाई, किसी दूसरे बंदे के हाथ ना लगे, सही। लेकिन यहाँ पे जो हैकर होता है उसको रोकने का काम किसका होता है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट। जबकि DBA के पास कोई हैकर आएगा ना तो वो हैक हो जाएगा, उसका कोई रोक ही नहीं सकता, DBA के पास इनकी नहीं होती, सही। लेकिन अगर वो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट है हमारे पास तो वो किसी हैकर को भी, हैकर के अटैक से भी हमें बचा देगा हमारे डेटा को, बात समझ में आ रही है। ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशन इंडस्ट्रीज वगैरह के अंदर हायर किया जाता है और बैंक्स के अंदर खासतौर पर ये होते ही होते हैं, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट। हमारे डेटा के अंदर हमारे जो जितना भी प्रोसेस हो रहा है डेटा, वो किसी थर्ड पार्टी ऐप के पास तो नहीं जा रहा, तो ये चीज़ें देखने वाला कौन होता है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट। इसके बाद सातवां पॉइंट आता है, वो है कंप्यूटर साइंस और IT टीचर, कंप्यूटर साइंस और IT टीचर। अनदर वेरी रिवॉर्डिंग करियर फॉर कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट इज टीचिंग इन स्कूल्स कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज। दिस इंस्ट्रक्शन इंस्टिल इन देयर स्टूडेंट इम्पोर्टेंस ऑफ कंप्यूटर टूडे वर्ल्ड एंड द इम्पैक्ट दिस मशीन विल हैव इन देयर लेटर लीव। कह रहे हैं कि IT टीचर की भी एक बहुत अच्छी डिमांड है यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर ज़्यादातर होते हैं इसके अंदर, सही, जो कंप्यूटर से ही पढ़कर आए हुए होते हैं और अच्छी सैलरीज के ऊपर काम आ रहे होते हैं कंप्यूटर साइंस के अंदर, सही। तो इसकी भी एक बहुत अच्छी डिमांड है, ठीक। जैसे मैं भी आपको टीचिंग कर रहा हूँ यहाँ पे, तो आप जानते हैं अच्छी तरीके से। अनदर वेरी रिवॉर्डिंग यानी कि टीचिंग तो जाहिर सी बात एक बहुत अच्छा एक पेशा है, तो इसके हिसाब से बोला जा रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे सैलरीज भी आपको अच्छी मिल जाएंगी, एक दो पीरियड लेने होंगे 70-80,000 रुपये आपको सैलरी मिल जाएगी। तो कहने का सिंपल इतना है, ये भी एक बहुत ज़बरदस्त फील्ड है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छे तरीके समझ में आई होगी, और जो मैंने आपको समझाया करियर इन IT फील्ड तो बैठे बैठे समझ में आ गया होगा आपको अच्छे तरीके से। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़। वीडियो को लाइक लाजमी कर दिएगा।